नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बिल्कुल आसान तरीका से समझाऊंगा दोस्तों, आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब। पिक्सल लैब जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा दोस्तों। फिलहाल मैं इसका लोगो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों लोगो, करता हूँ इसको दोस्तों मैं ओपन कर लिया हूँ। तो देखिए, पहला जो आपके सामने इस तरह का होम पेज आएगा दोस्तों, फर्स्ट में जब आप ओपन करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ कुछ लिखा होगा, तो इसको दोस्तों यहाँ से इस तरह से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ देखिए दिखाई देगा, यहाँ चार नंबर में दोस्तों, यहाँ इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ आपको कलर सेलेक्ट कर लेना। फ़िलहाल मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, लोगो बनाने के लिए दोस्तों। तो मैं जो कलर सेलेक्ट करूँगा दोस्तों, वो कलर है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का। तो देखिए, हम पीला कलर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से सही के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ जो तीन नंबर में ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर यहाँ जो एरो जैसा इस पर सेलेक्ट कीजिए और गोल सर्कल जैसा ले लीजिए इस तरह से। अब इसका कलर आपको फिर से दोस्तों ले लेना है यहाँ पर वही पीला। उसके बाद आपको इसमें शेडो लगाना है। देखिए शेडो कैसे लगाते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे आना है इसी ऑप्शन में दोस्तों, और यहाँ देखिए एस्टॉक लगाना है। इसको एस्टॉक को इनेबल कीजिए। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा रेड लगाना चाहता हूँ एस्टॉक, तो मैं रेड एस्टॉक लगा लेता हूँ। तो देखिए, मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड सेलेक्ट कर लिया हूँ इस तरह से। अगर आपको जो ग्रीन कलर, जो दोस्तों पीला कलर है, ये कलर अगर आपको पसंद नहीं है, तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्लैक कलर इस तरह से। और शेडो जो है इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 कर देते हैं इस तरह से, 3 कर देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। आप इसे यहाँ ऊपर में यहाँ से इसे लॉक कर देना इस तरह से, ये लॉक हो गया। अब आपको दोस्तों इस पर टेक्स्ट लिखना, तो ए का जो यहाँ ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए, मैं अपना चैनल का नाम लिखूँगा। तो पहला जो मेरा दोस्तों अच्छा रहे वो है ए, तो मैं ए सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा साइज इसे बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद इसका जो फॉन्ट होगा वो फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला फॉन्ट, इसी को आपको भी सिलेक्ट करना है, मैं इसी में आपको समझाऊँगा। उसके बाद आपको इसे यहाँ लाना है और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए कलर आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, इसी टेक्स्ट के ही ऑप्शन में कलर में सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं यहाँ इसका कलर ले लेता हूँ सफ़ेद, तो देखिए ये हो गया इस तरह से। उसके बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, हो गया। फिर सही के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना जो हमें लिखना है के, तो के लिखने के लिए मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने से होगा क्या कि इसका जो फॉन्ट होगा वही फॉन्ट रह जाएगा जो आप लिखेंगे दोस्तों, बार बार आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना नहीं होगा। फिर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं के, इसलिए लिखते हैं कि हमारा चैनल का जो अंत है दोस्तों एक है, तो इसलिए ए शुरू और के दोस्तों अंत का। उसके बाद फिर हम इसे यहाँ ला के इस तरह से रख देते हैं। आप देखते हैं दोस्तों इन दोनों का साइज, तो इसका जो साइज है दोस्तों 18, तो इसका साइज क्या है, इसका भी साइज 218, मतलब दोनों सेम है। तो चलिए ठीक है, अब आपको एक और काम करना है, अपने चैनल का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे चैनल का नाम, अगर आपको जो अच्छा लगे जिस तरह से उस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अपने चैनल का नाम लिखना है तो यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने चैनल का पूरा नाम लिख देना। देखिए मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, आशीष कुमार एके। लिखने के बाद ओके करते हैं। फिर यहाँ लाकर इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ऑप्शन के बीच में ही आपका चैनल का नाम होना चाहिए, तो अच्छा दिखेगा। अभी आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब बनकर रेडी होगा तब आप देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ
कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसका कलर ले लेंगे पीला। आपका जो मन हो दोस्तों आप ले लीजिएगा, आपका चॉइस के अनुसार आप जो चाहेंगे वो ले लीजिएगा। मैं इसी को ले लेता हूँ, उसके बाद सही के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इतना बनकर रेडी हो गया, अब इसे यहाँ से लॉक करना है। देखिए मैं सबको लॉक कर देता हूँ, और आपको लगता है कि जो सर्कल है वो बड़ा हो गया है और हमारा लिखावट छोटा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इस पर क्लिक कीजिए और थोड़ा यहाँ से इसका साइज इस तरह से छोटा कर दीजिए। आप देखिए दोस्तों इसको भी लॉक कर दीजिए। अब आपको देखिए ये बनकर रेडी हो गया, लेकिन अभी आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। आप देखिए दोस्तों उसके बाद ये बन गया। अब यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ नीचे दोस्तों यहाँ सेव टू गैलरी इसको सिलेक्ट करके इसी पर सिलेक्ट कर देना। देखिए अब बनकर रेडी हो गया दोस्तों, आपका जो है ना दोस्तों लोगो चैनल का वो बनकर रेडी हो गया। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा दोस्तों, मैं एकदम आसान तरीका से समझाया दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका से। उतना ज़्यादा दोस्तों लोगो तो मैं आपको नहीं टाइम लिया, लेकिन आसान तरीका से समझाने का कोशिश किया। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। हम आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेगुलर आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।